हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्स फोर्स नो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, बेसिकली एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है ट्रेल हेड। सो गाइस, जो ट्रेल हेड एक काइंड ऑफ वेबसाइट है जो कि सेल्स फोर्स थ्रू इम्प्लीमेंटेड है। गाइस, यहाँ पे आप सेल्स फोर्स के हर एक टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो, हर एक टॉपिक सीख सकते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल विथ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेल हेड किस तरह से आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, कैसे साइन अप करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस होता है पढ़ने के लिए, किस तरह से आप प्रॉपर वे में किस तरह से आप हर एक टॉपिक का अच्छी तरह से नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो सिंपली आपको जाना है गूगल पे। तो सिंपली आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पर ट्रेल हेड सर्च करना है ब्राउज़र में, देन सिंपली एंटर कर देना है। देन गाइज, आपके सामने ऐसा यूज़र इंटरफेस ओपन होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है ट्रेल हेड पे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो साइन अप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट आपको मेथड्स मिल जाएंगे। आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं या फिर लिंकडिन के साथ या फिर किसी के भी साथ। तो इस तरह से साइन अप करते हुए आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज, अभी अभी ये मैंने अपना एक अलग से दूसरा मीन्स ये मेरा दूसरा और न्यू अकाउंट है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है डेमो के लिए। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है सेल्स फोर्स लूप, मिस मेरे चैनल का नाम दिख रहा है सेल्स फोर्स लूप, जहाँ पे मैंने 2 बैचेस एंड 575 पॉइंट्स ऑलरेडी अर्न कर लिया है। तो गाइज, ये बैचेस एंड पॉइंट्स क्या है, कैसे मिलते हैं, ये सब मैं अभी तुरंत आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज, सपोज एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरे पास कुछ लोगों के DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि हमें एडमिन पार्ट सीखना है डेवलपर से पहले, क्योंकि गाइज ये बात सच है कि आप एक अच्छे डेवलपर तभी बन सकते हो जब आपका एडमिन पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो। अदरवाइज गाइज, डेवलपमेंट में तो बहुत ही इशू आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि अभी गाइज क्या है कि मैं AWC वो प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, AWC वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके कंप्लीशन के बाद ही मैं एडमिन और एपेक्स पे जाऊँगा। तो इसलिए मैंने ये ट्रेल हेड पे वीडियो बना दिया ताकि जो भी अभी एडमिन पढ़ना चाह रहे हैं वो ट्रेल हेड के थ्रू पढ़ सकते हैं। और सब बिलीव मी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। तो गाइज, सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपका नाम यहाँ पे शो हो गया, आपने लॉगिन कर लिया। उसके बाद क्या करना है गाइस, सपोज आपको एडमिन पढ़ना है बहुत ही बिगिनर लेवल से, तो आपको सिंपली चलना है अपने गूगल क्रोम में एंड यहाँ पे सर्च करना है एडमिन बिगिनर ट्रेल हेड। देन सिंपली गाइस, आप ऐसा मत लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप ये मत सोचना कि मुझे सर्च करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा। आप सर्च भी करके जा सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो। सिंपली इस लिंक पर मुझे ओपन कर देना है। तो गैस देखिए, जो लिंक ओपन हुआ है ये एडमिन बिगनर मॉड्यूल का है। तो गैस इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एडमिन बिगनर के अकॉर्डिंग बनाया है। सपोज़ कोई कैंडिडेट है, सपोज़ कोई बंदा है जिसे एडमिन बहुत ही बिगनिंग से स्टार्ट करना है, मीन्स उसे कुछ भी नहीं पता सेल्स फोर्स के बारे में, एंड उसे अभी सेल्स फोर्स अभी अभी उसने टच किया है, उसे स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी सेल्स फोर्स में, तो यहाँ एडमिन बिगनर से स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल गाइज, ये सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक मॉड्यूल का नाम है, मीन्स आप इसे चैप्टर समझ सकते हो। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, मीन्स सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक्स में ये सारी चीज़ें आप कवर करनी है, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपको सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक्स का अच्छे से नॉलेज हो गया है। इन गाइज, मैं बात करूँ डेटा मॉडलिंग, तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग की मैं बात करूँ तो उसमें 3 यूनिट्स है, अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन को ओपन करूँ तो ये 3 यूनिट्स है। तो गाइज़, इस तरह से आपको ये पता चल गया कि ये एक मॉड्यूल होते हैं एंड मॉड्यूल के अंदर वो उसके रिलेटेड सारे सारे यूनिट्स होते हैं। सिंपल गाइज, अब आप अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेल हेड से पढ़ने की। सिंपली आपने एडमिन बिगनर ओपन किया या फिर कोई भी ट्रेल हेड मॉड्यूल ओपन किया, मीन्स आप देख सकते हो डेटा मॉडलिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको ये 3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये मॉड्यूल पढ़ना है, मीन्स आपको डेटा मॉडलिंग सीखना है कि वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है एंड कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसे ओपन कर देना, या तो आप डेटा मॉडलिंग डायरेक्टली ओपन कर सकते हो क्लिक करके, या तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लिक कर सकते हो आपको जो डायरेक्टली पढ़ना हो। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली डेटा मॉडलिंग में क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो आप उस पर्टिकुलर पेज पे ओपन हो गया है जो डेटा मॉडलिंग का मॉड्यूल पेज है। तो उसके अंदर वही गाइज, वही 3 यूनिट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे अगर मुझे सबसे पहले पढ़ना है अंडरस्टैंड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, मीन्स कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेल्स फोर्स में कैसे काम करते हैं, तो मैं इसे इस पर क्लिक करूँगा सिंपली। देन गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी सारी चीज़ें दी, ये सारे सारे गाइज बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको सारे सारे प्रैक्टिकल टाइप काइंड ऑफ एग्जांपल आपको, आप बोल सकते हो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करके देते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आए। तो आप यहाँ से सिंपली पढ़ सकते हो, देन यहाँ पे आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी दिए होंगे
नीचे आपको एक्सप्लेन किए होंगे कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट, आप कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे स्टेप्स है वन बाई वन जो कि आपको फॉलो करने हैं, तो आपका एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से, इसलिए गाइज ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल बताता है कि किस तरह से आप वो काम कर सकते हो। यूनिट मीन्स हर एक यूनिट के एंड में आपको एक चैलेंज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हो एकदम बॉटम पर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पर हैंड्स ऑन चैलेंज करके है। तो गाइज ये जो चैलेंज है ये आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप ये चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं उस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए उतने आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये चैलेंज आप कंप्लीट करते हो तो आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। किसी किसी के लिए 100 पॉइंट्स भी होते हैं, किसी किसी के लिए 200 पॉइंट्स भी होते हैं। बट जो चैलेंज मीन्स हैंड्स ऑन चैलेंज होता है जिसमें कोडिंग करनी होती है या फिर कुछ क्रिएट करना होता है, उसके लिए मोस्टली 500 पॉइंट्स ही होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम चैलेंज किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों को समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होगा ना गाइज, चैलेंज करेंगे कहाँ? क्योंकि बेसिकली हम अपना जो कोडिंग है, जो भी एडमिन पार्ट है, वो तो हमने डेवलपर से, इसको उसका एक डेवलपर और क्रिएट कर लिया, हमने डेवलपर अकाउंट और उस पर कोडिंग करते हैं। बट इसको कैसे कर सकते हैं, मीन्स ट्रेलहेड का चैलेंज कहाँ कर सकते हैं? तो गाइज उसका आंसर ये प्ले ग्राउंड। तो ट्रेलहेड एक प्ले ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड कुछ नहीं गाइज, आप कह सकते हो एकदम सेम टू सेम सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट मीन सेल्सफोर्स डेवलपर और जैसा ही एकदम सेम टू सेम। अभी वो ट्रेलहेड ऑलरेडी आपको क्रिएट करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो अभी जो डिफॉल्ट ट्रेलहेड प्ले ग्राउंड है उसका नाम होता है माई ट्रेलहेड प्ले ग्राउंड वन। तो आप इसे अगर लॉन्च करते हो, यहाँ पे लॉन्च क्लिक करते हो तो आपको वो डेवलपर और ओपन हो जाएगा। सिंपली ये आपका सेल्सफोर्स डेवलपर और नहीं है, बट ये आपका एक तरह से कह सकते हो ये ट्रेलहेड का एक प्ले ग्राउंड है जो कि आपके ट्रेलहेड अकाउंट से अटैच है। तो अब सिर्फ आप ही इस पर्टिकुलर प्ले ग्राउंड पे परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिंपली अब चलते हैं प्ले ग्राउंड पे। तो आप देख सकते हो प्ले ग्राउंड क्रिएट करते ही हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, एक वेलकम पेज आता है, देन एक इंस्टॉल पैकेज पेज आता है, एंड देन गेट योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स पेज आता है। गाइस इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है गेट स्टार्टेड विद थ्रेडहेड। तो गाइस आपको सबसे पहले, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, मीन्स ये वाला ट्रेल कंप्लीट करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड विद ट्रेलहेड। इसमें आप देख सकते हो कि ट्रेलहेड क्या है। इनका जो सेकंड मॉड्यूल है वो है ट्रेलहेड प्ले ग्राउंड मैनेजमेंट। तो गाइज इसी में आप वो सब सीखोगे कि ट्रेलहेड प्ले ग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया। देन आप ये सीखोगे कि प्ले ग्राउंड का यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी मैं अभी गाइज आपको बताऊंगा। एंड आपको ये अपने से सीखना है कि इंस्टॉल ऐप एंड पैकेजेस इन योर ट्रेलहेड प्ले ग्राउंड, ये इसका क्या मतलब होता है। इसका एक सिंपल गाइज और कुछ मतलब नहीं होता है, ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पैकेज फोर्स ने रखा होता है उसको, उस पर्टिकुलर पैकेज का आपको आईडी प्रोवाइड किया जाता है एंड वो आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऑलरेडी आपका पूरा पूरा पैकेज डाउनलोड हो जाता है आपके प्ले ग्राउंड में एंड आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बिना कोई और इंप्लीमेंटेशन की या फिर कोई और लॉजिक परफॉर्म किए, अगर वो लॉजिक ऑलरेडी उस मैनेज पैकेज में इंस्टॉल्ड है या फिर सेव्ड है। अब तो गाइज अब बात करते हैं कि जो सबसे मेन पॉइंट है अपना कि चैलेंजेस कैसे कंप्लीट करना है, मीन चैलेंजेस कैसे कर सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं सारी सारी चीज़ें। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक चैलेंज का डेमो शो कर देता हूँ कि चैलेंज करते कैसे ट्रेलहेड पे। तो गाइस फॉर एग्जांपल ये हमारा चैलेंज है, ये इस चैप्टर का चैलेंज है गाइस, अंडरस्टैंड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूनिट का, जो कि है डेटा मॉडल ट्रेल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा चैलेंज है, इसमें बोला है कि बिल्ड अ कस्टम ऑफर ऑब्जेक्ट। ओके तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर हमें एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ऑफर। तो आप चाहे तो ये सब भी पढ़ सकते हो, ये सिनेरियो दिया गया है। तो गाइस अब चलते हैं, देखते हैं चैलेंज में करना क्या हमें। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट, तो हमें कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका लेबल होगा ऑफर, रिकॉर्ड नेम होगा ऑफर नेम, डाटा टाइप होगा ऑटो नंबर, एंड डिस्प्ले फॉर्मेट होगा OF-4x0, स्टार्टिंग नंबर होगा वंस। तो गाइस ये ऑटो नंबर क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ आपको, चैलेंज में आपको समझ में आ जाएगा। देन गाइस जो हमारा चलते स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला चैलेंज, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हमें लॉन्च करना है अपना ट्रेलहेड प्ले ग्राउंड। तो गाइस जब मैं अपने प्ले ग्राउंड पर आ चुका हूँ, हमें चलना है एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं गाइस, सिंपली सेटअप पे चलते हैं, यहाँ से हमें सिंपली क्रिएट करना है एक कस्टम ऑब्जेक्ट। तो टॉप से आप सेव कर सकते, कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इस ऑब्जेक्ट का API नेम ऑफर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है, क्योंकि गाइस ये कस्टम ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके एंड में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड हो चुका है।
तो गाइस हमारा ये जो पहला चैलेंज है मीन्स एक पार्ट ऑफ चैलेंज कंप्लीट हो चुका है जो इतना सा है। तो गाइस अगर मैं चलूँ यहाँ पे फील्ड से रिलेशनशिप में, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट एक नेम फील्ड है मीन्स ऑफर नेम फील्ड है जो कि ऑटो नंबर टाइप का है। तो गाइस जो हमने वहाँ पे ऑटो नंबर चेंज किया था वो इस पर्टिकुलर नेम फील्ड के लिए चेंज किया था। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा क्या यूज़ होता है उसका। तो गाइस देन सेकेंड जो हम चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैलेंज पे, इसमें बोला है कि क्रिएट अ कस्टम करेंसी फील्ड और ऑफर ऑब्जेक्ट जिसका डेटा टाइप होगा करेंसी एंड ऑफर फील्ड नेम होगा ऑफर नेम। तो गाइज हमें क्या करना है, हमें एक फील्ड क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफर ऑब्जेक्ट पे एक करेंसी डेटा टाइप का जिसका फील्ड नेम होगा ऑफर अमाउंट। तो चलता हूँ यहाँ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में एंड सिंपली न्यू पे क्लिक करता हूँ। देन हमें करेंसी टाइप का डेट फील्ड सेलेक्ट करना है, तो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ एंड देन सिंपली यहाँ पे ऑफर अमाउंट फील्ड लेवल हमारा ऑफर अमाउंट रहेगा एंड यहाँ पे फील्ड नेम आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाता है। देन क्या करना है गाइस हमें, ओके गाइस सो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, हमें बस इतना ही करना था। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसे सेव कर देना है। नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट एंड देन सेव। तो गाइस हमारा एक फील्ड और क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है ऑफर अमाउंट जो कि करेंसी डेटा टाइप का। देन गाइस हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है कि एक और कस्टम डेट फील्ड क्रिएट करना है ऑफर ऑब्जेक्ट पे जिसका फील्ड लेबल होगा टारगेट क्लोज डेट एंड डेट टाइप होगा डेट। चलते ये भी कर लेते हैं, न्यू क्लिक करना है देन डेट पे सिलेक्ट करना एंड देन सिंपली नेक्स्ट। देन अगेन नेक्स्ट देन सेव। सो गाइज हमारा सारा का सारा जो टास्क था मीन्स इस चैलेंज का पूरा पार्ट हमने कर दिया। सबसे पहले हमें ऑफर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, देन हमें उस पर दो फील्ड क्रिएट करना था और ऑफर अमाउंट एंड टारगेट क्लोज डेट एंड हमें इस नेम का जो ऑटो नंबर था मीन्स इस नेम का डेटा टाइप जो टेक्स्ट था उसे हमें चेंज करना था ऑटो नंबर में। तब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दिख कैसा रहा है ऑफर ऑब्जेक्ट, हालांकि वो हमारा चैलेंज का पार्ट नहीं है बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरिटी के लिए। तो हमें ऐप लॉन्च पर क्लिक करना है, यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे सिंपली ऑफर सर्च करना है। तो गाइस एक्चुअली हमें ऑफर मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टैब क्रिएट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसको टैब क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली सेटअप पे चलना है। ये गाइस ऑलरेडी मैंने बता चुका है बट फिर भी बता देता हूँ, टैब पे चलना है देन आपको टैब सेलेक्ट करना है देन यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट आपको न्यू क्रिएट करना है एंड देन आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो है ऑफर एंड जो इस पर कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं बोट ले लेता हूँ देन सिंपली इसे नेक्स्ट करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली अगेन नेक्स्ट करना सेव कर देना है। तो गाइज यहाँ पे हमने एक टैब भी क्रिएट कर लिया है हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट ऑफर के लिए। तो अब मैं चलता हूँ अपने सर्च करता हूँ, देखता हूँ हमें मिल रहा है या नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो अब हमें ऑफर मिल रहा है क्योंकि हमने टैब क्रिएट कर दिया है उस ऑफर ऑब्जेक्ट का। तो हमें सिंपली इसे ओपन करना है, क्लिक करना है उस पर एंड वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो गाइज अब हमारा ये ऑफर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है यानी आपके सामने ओपन है। अब आपको सपोज इस ऑफर ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारे पास दो ही फील्ड्स अवेलेबल है, जबकि मैं अगर आपको ले चलूँ यहाँ पे अपने फील्ड्स रिलेशनशिप में, तो अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने फील्ड्स हैं, ऑफर अमाउंट, ऑफर नेम एंड टारगेट क्लोज डेट, तीन फील्ड हैं और बाकी ये ऑनर आईडी, लास्ट मॉडिफाइड बाय आईडी एंड क्रिएटेड बाय आईडी ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो आप देखते हो ऑनर यहाँ पे है एंड क्रिएटेड आईडी एंड मॉडिफाइड बाय वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट सेव होगा। बट गाइज यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि हमें यहाँ पे सिर्फ ऑफर अमाउंट एंड टारगेट डेट मिल रहा है, इसकी वैल्यू मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पहले एंड बट हमें ऑफर नेम नहीं मिल रहा क्योंकि गाइज आपको याद है हमने टेक्स्ट चेंज करके इसका जो डेटा टाइप है वो ऑटो नंबर कर दिया था। तो इसलिए गाइज अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो वो ऑटो नंबर के टाइप में क्रिएट होगा मीन्स इसका जो स्टार्टिंग आप देख सकते हो हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखा था, तो इसलिए गाइज ये इसके एंड पे 1 आ गया। तो गाइज आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑटो नंबर फील्ड किस लिए यूज़ होता है एंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपने बैक टू, तो गाइज अब चलते हैं वापस टॉयलेट पर एंड देखते हैं हमारा चैलेंज ये करेक्ट है या नहीं। तो आपको गाइज सबसे पहले मैं दिखा दूँ हमारा जो पॉइंट्स है अभी 2 बैचेस है एंड 575 पॉइंट्स है, ओके। तो अगर मैं चलता हूँ एकदम नीचे हमारा चैलेंजेस कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा ये चैलेंज सच में प्रॉपरली जो सारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे तो हमें
500 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मीन्स 575 प्लस 500 हो जाएंगे 1075 पॉइंट्स। तो चलते हैं अभी से हमें चेक चैलेंजेस इन, तो हमें इसे चेक चैलेंज टू अर्न 500 पॉइंट्स पर क्लिक कर देना है, जो ग्रीन बटन आपको दिख रहा है नीचे। तो गाइज आप देख सकते हो आपने अपना पहला चैलेंज कंप्लीट कर लिया है एंड आपको 500 पॉइंट्स मिल गया ट्रेलेट के साइड से। एंड आपको अगर सेकेंड यूनिट टैकल करना है, मीन्स सपोज अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ना है इस पर सेम मॉड्यूल का, तो आप सिंपली इस टैकल द नेक्स्ट यूनिट पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइज अब आप देख सकते हो मेरा जो ये टोटल पॉइंट्स है वो 575 से 1075 हो चुका है। तो गाइज इस तरह से आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो हर एक चैलेंज कंप्लीट करने के बाद, वो भी प्रैक्टिकली। तो है ना गाइज ये बहुत ही ज़्यादा औसम। गाइज आपको बात करूँ ये बैचेस कैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल गाइज आप जितने मॉड्यूल्स कंप्लीट करोगे उतने आपको बैचेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मॉडलिंग का एक मॉड्यूल है, राइट, ये एक मॉड्यूल है डेटा मॉडलिंग नाम का। अगर आप ये तीनों यूनिट कंप्लीट करें तो मीन्स ये ऑल थ्री यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक वन बैच मिल जाएंगे। तो अगर मैं चलता हूँ अपने प्रोफाइल पे एंड प्रोफाइल क्लिक करता हूँ, तो गाइज ये मैंने रिसेंटली बनाया था अपना, ये मेरा सेकेंड अकाउंट, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। तो आप देख सकते हो मुझे टू बैचेस ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो गाइज अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी दो मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि गाइज ये दो मॉड्यूल्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है अपने मेन वाले ट्रेलेड अकाउंट में, बट मुझे इसे रिवाइज करना था इसलिए मैंने यहाँ पे किया अगेन। तो गाइज इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ट्रेलेड क्या है, किस तरह से वर्क करता है एंड वहाँ पे आप किस तरह से चैलेंजेस कर करके हर एक टॉपिक सीख सकते हो एकदम पूरा ही पूरा प्रैक्टिकल वे में। तो गाइज ये रहा हमारा ट्रेलेड चैलेंजेस का बात, कि आप कैसे चीज़ें सीख सकते हो, कैसे टॉपिक सीख सकते हो, कैसे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, कैसे बैचेस अर्न कर सकते हो एंड किस। तो गाइस अब मैं चलता हूँ सेकंड एस्पेक्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो, जो भी आप ट्रेलेड मीन्स आप जो भी सेसफुल सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो वहाँ पे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाता है। देन आप जो भी सुपर बैच अर्न करते हो यहाँ पे शो हो जाता है एंड यहाँ पे आपके सारे सारे बैचेस शो हो जाते हैं जो जो आपने किया हुआ है। तो गाइस ये जो सर्टिफिकेशन है इस पर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गाइस ये ऑलरेडी एक बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग बोर हो जाओ। इसलिए गाइस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस सर्टिफिकेशन रोड मैप पे, कि आप क्या क्या पाथ सिलेक्ट कर सकते हो एंड किस तरह से आप सर्टिफिकेशन क्लियर, मीन्स आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है सर्टिफिकेशन के लिए एंड क्या क्या रोड मैप रहेगा, मीन्स आपको पहले कौन सर्टिफिकेशन करना चाहिए एंड कहाँ कहाँ से आप वो सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल गाइज ये सिर्फ एडमिन बिगनर का मैंने बताया। अब आपको एडमिन बिगनर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, मीन्स आपने सारा सारा एडमिन बिगनर कंप्लीट कर लिया है एंड आपको अब एडमिन इंटरमीडिएट पढ़ना है, तो आपको सिंपली अगेन कुछ नहीं करना है, एडमिन इंटरमीडिएट ट्रेलेट सर्च करना है गूगल पे एंड आपको पहला जो लिंक आएगा उसे ओपन कर लेना एंड देन गाइज आपको वन बाय वन ये सारे सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करना है। एंड सेम टू सेम गाइज डेवलपर एडमिन, डेवलपर बिगनर एंड डेवलपर इंटरमीडिएट के लिए भी है एंड डेवलपर एडवांस के लिए भी है एंड एडमिन एडवांस के लिए भी है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे इस पर ट्राई करें, एटलीस्ट एडमिन पार्ट तो अपना स्ट्रॉन्ग कर ले यहाँ ट्रेलेट से। बात और बताना चाहूँगा कि आप जो भी बैचेस एंड पॉइंट्स अर्न करते हो ना उस बेसिस पे ट्रेलेट आपको कुछ रैंक देता है, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा लगता है जैसे जैसे आप पॉइंट्स अर्न करते जाओगे, जैसे जैसे आप मॉड्यूल कंप्लीट करते जाओगे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके बैचेस बढ़ रहे हैं तो आपके रैंकिंग बढ़ेंगे सेसफुल ट्रेलेड पे, जो कि आप अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हो लोगों को, लोगों को बता सकते हो कि हाँ देखो मैंने इतने बैचेस अर्न कर लिए एंड ये पॉइंट्स है मेरे, ये रैंकिंग है मेरी। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ तो अगर मैं क्लिक करता हूँ इसे एक्सप्लोर रैंक पे, तो आप देख सकते हो कि सेसफोर्स क्या क्या रैंक प्रोवाइड करता है। तो जो स्काउट है 0 बैचेस 0.7 एंड 1 बैचेस 200 पॉइंट्स साथ हाइकन मिल जाता है। देन ये एक्सप्लोरर, देन एडवेंचर, देन माउंटेनियर, देन एक्सपेंडिशनर एंड देन रेंजर। रेंजर लास्ट है गाइस, जिसमें हम आपको 100 बैचेस एंड 50,000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तब जाके आपको रेंजर पोजीशन मिलती है। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 100 बैचेस ही अर्न कर सकते हो, गाइस आप 1,000+ बैचेस अर्न कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस जो हाइएस्ट रैंकिंग है वो है रेंजर। एंड गाइस जो लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कि आप फ्री सर्टिफिकेशन वाउचर या फिर आप फ्री सेल्सफोर्स गुडीज़, जैसे सेल्सफोर्स बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है जो भी ट्रेलेट पे अच्छा क्वेस्ट पे परफॉर्म करते हैं, वो आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप गूगल पे जाओ ट्रेलेट क्वेस्ट सर्च करो, देन ट्रेलेट क्वेस्ट सर्च करते ही आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा ट्रेलेट क्वेस्ट का, उसे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। गाइज अगर मैं एक्सप्लोर क्वेस्ट पे चलता हूँ तो आपको सारे सारे क्वेस्ट अवेलेबल जो भी अभी ओपन है जिसमें आप देख सकते हो क्वेस्ट कंप्लीट करने पे हो सकता है आपको ये कूल हुडी एंड ये नोटबुक पेन एंड गाइज और भी बहुत ही औसम औसम गिफ्ट्स मिलते हैं। आप देख सकते हो गिफ्ट्स के सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है कि
ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट करने से आपको क्या मिल सकता है, ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट करने से आपको क्या मिल सकता है। एंड गाइज ये गारंटीड नहीं है, ये मिस सिलेक्टेड लोगों को मिलता है, बट गाइज मुझे मिल चुका है, बहुत ही सारे लोगों को मिल चुका है। आप लिंक्डइन पे देखते होगे, जो भी ट्रेलहेड, जो भी सेल्स फोर्स डेवलपर है, आप देखते होगे उनको मिल चुका है ये। सेल्स फोर्स एडमिन सबके लिए हर टाइप के क्वेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज फर्स्ट तरीका ये है कि जहाँ से आप ये सारे गिफ्ट अर्न कर सकते हो, ये जो नोट पैड है, ये हुडी है, ये तो गाइज आपको मिलेगा ही मिलेगा ये कंप्लीट करने के बाद। गाइस कंप्लीट करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ना है। गाइस जो सेकंड तरीका है वो है जर्नी टू सेल्स फोर्स। तो गाइस आपको सिंपल यहाँ पे जर्नी टू सेल्स फोर्स सर्च करना है, देन क्लिक करना है। तो गाइस जो भी आपका ये जो ऑप्शन है जर्नी टू सेल्स फोर्स प्रोग्राम इन इंडिया, उस पर क्लिक कर देना है। एंड देन गाइस यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, आपके यहाँ काम करते हो, आपको सारी सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको सारे सारे प्रोसेस फॉलो करना है, मीन्स आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे बहुत सारे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने बाद वो सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। सो मॉड्यूल कंप्लीट करते गाइस अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको एक PD1 का फ्री सर्टिफिकेशन वाउचर मिल जाता है। सो गाइस ये था ट्रेलहेड की जर्नी, बहुत ही औसम वेबसाइट है, आप यहाँ से हर एक चीज़ सीख सकते हो बहुत ही इंटरटेनिंग एंड प्रैक्टिकल वे में। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, सर्टिफिकेशन रोड मैप पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप ऑन लर्निंग।